हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल सेट पेपर टू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मॉडल सेट नंबर टू है। मॉडल सेट नंबर वन पहले हम दे चुके हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में बायसिंग क्यों करते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि ट्रांजिस्टर में बायसिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका एम्पलीफिकेशन क्या हो, फेथफुल हो। मतलब बढ़िया एम्पलीफिकेशन होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर में बायसिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है क्या, लिस्ट द टाइप एंड एक्सप्लेन वन विथ सुटेबल सर्किट डायग्राम। मतलब बायसिंग तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फिक्स बायस, एक होता है कलेक्टर टू बेस बायस, एक होता है आपका पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। ये तीन तरह का बायसिंग होता है। इसमें से तीन तरह के बायसिंग में से किसी एक बायसिंग का सुटेबल डायग्राम को ड्रॉ कर देना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर वन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर टू है, व्हाट इज द मॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रॉब्लम आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर थ्री, राइट द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आपका कुछ कुछ फ्लिप फ्लॉप दिया गया है। फ्लिप फ्लॉप आपका क्या होता है, एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ये मेमोरी एलिमेंट होता है, 1 बिट मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है आपका, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर सेलेक्ट जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, आपका नोट्स में होगा, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फोर, व्हाट इज द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट उस तरह के गेट को बोलेंगे जिसका हेल्प लेके दूसरे गेट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। आपको यूनिवर्सल गेट के थ्रू डिजाइन करना और गेट और एंड गेट, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दे दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फाइव, आपका 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम को थोड़ा ध्यान देना है। ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको दो चार बार प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम को आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सिक्स आपका क्या है, व्हाट इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं, इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर, ये भी बता चुके हैं। मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द विन ब्रिज ऑसिलेटर एंड आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये दोनों डिडक्शन आपका क्लास में करा चुके हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 8 प्रॉब्लम सेट नंबर टू में है और सेट नंबर वन में आपका 5 प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम को स्टडी करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप अपने ग्रुप में सब्सक्राइब भी बोले, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।